वेल दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जिसका नाम इसके एडवांस इन्फो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे। बट मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ एक एरर के बारे में। आई होप आपको भी ऐसा एरर शो कर रहा हो जब आप लॉगिन कर रहे थे। तो क्या है ये एरर, इसका सॉल्यूशन क्या है, कब हटेगा, इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है गाइस। ओके, मैं आपको बताना चाहूँ तो इस वीडियो को ज़रूर देखें शुरू से लेकर अंत तक, और इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर पूरा देखें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे देख सकते हैं, जब आप लॉगिन करते हैं आपका यूएन नंबर और आप पासवर्ड एंटर करके साइन इन करते हैं। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको जो है मेन होम पेज पे, मेन आपको लैंडिंग पेज पे आपको शो करता है ऊपर की तरफ कि सेशन इज एक्सपायर्ड, ओके या इनवैलिड हो चुका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऐसा आपको एरर शो कर रहा है। आखिर काफ़ी लोग मुझसे ये पूछे कि सर ये आपको भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं या मेरे कुछ कंसल्टेंट हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो वो मुझे भी मैसेज करते रहते हैं, बोलते सर इसके बारे में आप बता दो। इससे क्या होता है कि लोगों को भी पता चल जाता है जो व्यूअर होते हैं। तो हम बताना चाहें आपको कि इट्स जस्ट इन टेक्निकल एरर, ओके। ये टेक्निकल इशू नॉट फ्रॉम योर साइड, नॉट फ्रॉम योर इंटरनेट कनेक्शन, इट्स फ्रॉम ईपीएफओ डिपार्टमेंट। तो ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं। आई होप ईपीएफओ डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हो, क्योंकि बहुत से नए नए एरर शो कर रहे हैं। अभी तो आप केवाईसी में भी जा रहे हो तो आपको केवाईसी भी नहीं दिख रही। काफ़ी बार आपको 2 से 3 बार आपको जो है वहाँ पे केवाईसी पे क्लिक करने के बाद जब आपको जो है सारे केवाईसी डिटेल्स आपको दिख रही है। तो ये कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज़। मे बी ईपीएफओ डिपार्टमेंट कुछ नया करने जा रही है और नए नए अपडेट तो आते रहते हैं, आपको भी पता है। ओके, जैसे आपको पता भी कैप्चर हट चुका है, फॉरगॉट पासवर्ड में भी काफ़ी बदलाव हुए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आप इसके लिए कुछ मत कीजिए, आप वेट कीजिए, चेक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।